अपने शहर सिवान में भी कम दाम में ज्यादा फायदा देने वाली कुमाकी कंपनी आ चुकी है। कुमाकी कंपनी के इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी कम लागत में मौजूद है। तो आप एक बार अवश्य आए विजय सेल्स एजेंसी। मिलने का पता है छपरा रोड चाप ढाला। प्रोप्राइटर हैं विजय कुमार जायसवाल जी। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हम अब नगर पंचायत चुनाव का कवरेज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिवान से दूर अंदर प्रखंड में पहुंचे हुए और अंदर शहर में, और अब अंदर नगर पंचायत के अंतर्गत आ चुके हैं और यहां भी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर सिवान कुछ दिन के अंदर ही लागू हो जाएगा। और वहीं पर देखा जाए तो सभापति पद के लिए एक दावेदार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विकास कुमार उर्फ पिंटू, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है क्योंकि जब ये पंचायत हुआ करता था अंदर, तो उस समय इस पंचायत की BDC पंचायत समिति हुआ करते थे, लेकिन पंचायत कट जाने के कारण, नगर पंचायत में शामिल हो जाने की वजह से अब ये सभापति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। तो ये इनसे जानते हैं, अगर ये सभापति के चुनाव से जनता इनको जिताती है तो आंदर के लिए क्या सोच रखते हैं। तो सबसे पहले पिंटू जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले हम आपके N20 लाइव न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नगर पंचायत आंदर के सभी नागरिकों, नागरिक बंधु जितने लोग हैं, मतलब हम आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत। पिंटू जी, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम सुनने को मिल जाएगा सभापति के चुनाव वो लड़ेंगे, आखिर में उन सब के बावजूद भी जनता आपको वोट क्यों करे? अब ये जनता बताएगी कि हमको वोट क्यों करेगी। बहुत से कैंडिडेट हैं जनता, इसके पहले हम BDC रहे हैं और जनता हमको वोट इसलिए करेगी क्योंकि हम जनता के साथ समाज में हर काम में रहते हैं। यानी जनता आपसे पूर्व परिचित है? बिल्कुल है, इसमें कहीं बोरा है नहीं। हम लोग जनता के साथ रहे हैं, सामाजिक कार्य में एकदम आगे रहते हैं। अब ये नगर पंचायत में चला गया है आंदर शहर, तो इसके लिए सुविधाएं भी अब बहुत सारी मिलेगी सरकार की ओर से, और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है वो सफाई और यहाँ पे जाम लगना, तो क्या इसका निजात मिलेगा अगर आप सभापति बनते हैं तो? देखिए, सभापति हम बनते तो ये सब बिल्कुल निजात मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सरकार रोडों का जाल बिछा रही है, रिंग रोड बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, तो यहाँ भी लग रहा है जैसे मार्केट में जाम लगता है, उसको देखते हुए ओवरब्रिज की यहाँ पे ज़रूरत है जी। अभी तो देखिए, अभी इस बार होगा तो क्या होता है नहीं होता है उसमें आगे देखने वाली बात है कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। ओवरब्रिज की बात अलग है, इसको सफाई सुथरा वाला जो बात है, नाली वाला, वो बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम काम करवाएंगे, सबसे पहली बात की मतलब नाली वाला, सफाई वाला, या फिर नाली का को बनवाना है जो, वो करवाएंगे। यहाँ जो जाम लग जाता है उसके बारे में सोचना है, बहुत सी समस्याएं हैं उसको देखना है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 2 साल से देखा जाए तो शिक्षा पीछे गया है कोरोना की वजह से, उसको कैसे सुधार पाइएगा? कोरोना की वजह से शिक्षा, तो ये तो सही बात है कि पीछे गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे, अगर हमको नगर पंचायत का हम यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बड़ी कॉलेज आए। और यहाँ शिक्षा का जब बात हुआ तो एक वीडियो याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक मास्टर जी हैं जो सो कर पैसा उठा रहे हैं, स्कूल में जाकर सो गए थे और मंथली सोने के बाद उनको पैसा मिल रहा है, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर अगर कोई शिक्षक ऐसा हरकत करता है तो उससे निपटारा पाइएगा आप? ये मास्टर जो है ये बहुत ही, मतलब आप जो ये बात बोल रहे हैं कि सो कर पैसा उठा रही, बहुत ही निंदनीय है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। अगर किसी को नौकरी मिलता है तो उसका कोई भी नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा का हो या फिर कोई भी क्षेत्र, सरकारी नौकरी मिलता है तो काम भली पूर्ण करना चाहिए उनको। और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचें, ये जो आंदर शहर, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा अभी तक तो ठीक ठाक है, इसमें कहीं मतलब हमारे आंदर क्या बोला जाता है, आंध्र पंचायत की हम बात बोल रहे हैं, हम नगर पंचायत की, मतलब इसके पहले पंचायत, तो आंध्र पंचायत की सुविधा ठीक ठाक है, नगर पंचायत की भी ठीक है, अगर जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ हम लोग देखेंगे आगे। आप तो काफ़ी युवा हैं और देखेंगे पंचायती राज चुनाव में युवाओं का दबदबा चला है और बहुत सारे युवा चुनाव जीत के इस बार आए हैं, तो क्या माना जाए कि इस बार जो युवा का लहर दिखाई दिया था पंचायती राज चुनाव में, नगर पंचायत में भी दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, और चुनाव एक तरफा हम जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। युवाओं का सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? बिल्कुल 100% मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि तो हम लोग युवाओं के साथ ही, हमारा एक नारा है युवा के साथ में और युवा के हाथ में। पहले तो नगर सभापति का जो चुनाव होता था उसको तय वार्ड पार्षद करते थे, जो भी वार्ड पार्षद चुन के आते थे वो लोग तय करते थे कौन सभापति बनेगा, लेकिन अब तो डायरेक्ट जनता चुनेगी,
तो क्या लग रहा है जनता के बीच में जो अपने क्रेडिट बनाए हैं वो फायदा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और हम सरकार को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है कि ये डायरेक्ट हो गया, अब ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी। आप तो खुद अपने बिजनेस में आप लगे हुए, आपको किसी पैसा की कमी है नहीं, आखिर में चुनाव लड़ने का सोच कैसा है, वो भी सभापति का चुनाव? देखिए, समाज में हम पहले से ही रहे हैं और रहते हैं, सामाजिक काम को हमको करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे हर साल हम अपने पापा के पुण्यतिथि में कंबल का वितरण करते हैं, हर साल 3-4 साल से, और हम बहुत जल्दी 2-3 दिनों के अंदर में डॉक्टर लोगों का कैंप, मुफ्त कैंप, मतलब शिविर चलाएंगे हर हफ्ता अंदर में, हर हफ्ता में एक दिन एकदम मुफ्त, और जितना दिन तक चलेगा कोशिश करेंगे तो ये हर समय चले। डॉक्टर जो आएंगे वो हड्डी वाले आएंगे, नस वाले आएंगे, उसके बाद से मतलब 3-4 डॉक्टर हैं, लड़का वाले आएंगे, नाक कान वाला भी आएंगे, सिवान से MBBS डॉक्टर आएंगे, तो समाज सेवा में बहुत अच्छा लगता है काम करने में। तो चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अंदर शहर की जनता आप देख रही है उन लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा? आप बस अब एगो भोजपुरी में बरुआ से कहा तरीके हम हाथ जोड़ के, आज 5 बरिस पहलहूँ से देखा तरी आगो हाथ जोड़ के रुआ से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि राउर लड़का भतीजा बेटा बड़ भाई चाहे छोट भाई, हमारा नाम विकास कुमार पिंटू है, लोग हमरा के वोट दी, आ जाके पहलका नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हमरा के भारी मतों से जिताई। तो देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ये अंदर जो पहले पंचायत हुआ करता था लेकिन अब नगर पंचायत में शामिल हो गया है, और उस समय ये BDC थे, यहाँ के पंचायत समिति थे, और भली भांति यहाँ के सारी जनता इनको जानती है, और ये सभापति का चुनाव अब लड़ रहे हैं, तो काफ़ी उम्मीद और विश्वास जुड़ी हुई जनता से कि जो मैं कर्तव्य किया हूँ उसको देखते हुए जनता अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुझे सभापति का चुनाव जिताएगी, और जो भी समस्याएं मौजूद है वर्तमान में अंदर शहर में उसका समाधान मैं करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ N20 लाइव पर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।